हाय गाइस, लावण्य ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम सांभर बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने तुअर दाल ली है, थोड़ी सी उसके अंदर मैंने मलका दाल ली है। तो एक बाउल हमारी दाल है वो मैंने भिगो ली है, और इसमें इमली पेस्ट जाता है जो मैं यूज़ करती नहीं हूँ। तो मैं टमाटर कद्दूकस करके यूज़ करती हूँ, और ये सारे मसाले हैं: कुटी मिर्च, तेगी मिर्च, धनिया पाउडर, किचन किंग, गरम मसाला, हल्दी, नमक। और ये सिंपल सी सब्ज़ी हैं, जो भी मेरे पास थी वो ही मैंने यूज़ की है। तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट, कटी हुई प्याज, तड़के के लिए जीरा, हींग और राई, तो ये हमने दाल ले ली है। और इसमें चार गुना हम पानी डाल देंगे, चार बाउल पानी डालेंगे, क्योंकि एक बाउल हमारी दाल थी और ये हमारे चार टमाटर थे वो डाल दी है मैंने प्यूरी। और ये हमारी प्याज, टमाटर, भिंडी, जो भी मेरे पास सब्जी थी मैंने उसी से सांभर बनाया, और आप भी बना सकते हैं। ये सभी मसाले हैं जो मैंने आपको बताए, तेज पत्ता है उसके अंदर, और सब वही हैं जो मैंने आपको बताए थे। सिंपल एकदम आप इस तरीके से बनाइए। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसमें हम चार सीटी लगाएंगे। तो ये हमारा सांभर ऐसा बना है। अभी ये थोड़ा सा पतला है, रखे रखे भी थोड़ा थिक होता है ये, और अभी हम इसको खुला भी पकाएंगे। और ये अब हम तड़के पे आ गए, तो अपनी इच्छा अनुसार आप ऑयल यूज़ कीजिए। तो इसके अंदर मैंने जीरा, राई और हींग डाली है, कड़ी पत्ता, प्याज, कटी हुई हरी मिर्च, इस सब का हम तड़का देंगे। तो इस तरीके से सरसों का तेल का तड़का इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है। तो आप देख पा रहे होंगे सांभर कैसा लग रहा है, खाने में बहुत टेस्टी था। अभी हम इडली बनाएंगे, जो कि हमने सूजी ली है। तो हम 2 कप सूजी लेंगे और 1.5 कप दही लेंगे, और उसको अच्छे से फेंट लेंगे, और 15 मिनट के लिए हम उसको छोड़ देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, और हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक जैसे इडली का बैटर होना चाहिए वैसा बना लेंगे। तो हम चटपटी इडली बना रहे हैं, तो उसके अंदर हम काला नमक और काली मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब पाउडर यूज़ करेंगे, और कटी हुई हरी मिर्च। अभी हम इसको रेस्ट करने के लिए 15 मिनट के लिए लिड लगाकर छोड़ देंगे। इतने में हम इडली मेकर में पानी बॉईल करने रखेंगे, और ये ग्रीस कर लेंगे, और हम बैटर डालेंगे 15 मिनट बाद। तो तब हम उसके अंदर 1 इनो पाउच डालेंगे। एक पूरा पाउच जाएगा, थोड़ा पानी डालेंगे, इससे हमारी इडली बहुत सॉफ्ट बनेगी। और इसी तरीके से हम इसको थोड़ा सा फेंट लेंगे। और वापस 5 मिनट के लिए हम रेस्ट कराएंगे इसको, और फिर हम बैटर डालेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अभी इतना बैटर ठीक है ना, इससे पतला होना चाहिए ना इससे गाढ़ा होना चाहिए। इसकी इडली आपकी बहुत सॉफ्ट और अच्छी बनेगी। अभी इसके बाद हम एक स्टफ इडली भी बनाएंगे। तो जो मैंने स्टफिंग बनाई है वो मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगी, जो 4-5 चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं हम। ये नीचे मैंने इडली का बैटर डाल के उसको 10 मिनट स्टीम कर लिया है, फिर मैंने उस पर स्टफिंग डाली है, फिर उसके वापस बैटर डाला है।
अभी फिर हम इसको स्टीम करेंगे तो ये हमारी स्टफिंग इडली बन जाएगी। तो ये हमारा सांभर तैयार हो गया है। देखिए जैसा होना चाहिए वैसा ही है, ज़्यादा ना पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है। अभी हम सर्व कर रहे हैं। आप ये इडली दही से भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। ये नारियल की चटनी है। तो आप बनाइए, ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइए आपकी इडली कैसी बनी है, सांभर कैसा बना है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय।